प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल देश के वीर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। आज वो हिमाचल प्रदेश के लेपचा में जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों का हौसला अफजाई किया। जब से मोदी पीएम बने हैं, तभी से वो हर दिवाली पर जवानों के साथ नजर आए हैं। अब इन तस्वीरों में देख सकते हैं, साल 2022 में जम्मू कश्मीर के करगिल में जवानों के बीच पहुंचे, साल 2021 में भी जम्मू कश्मीर के नौशेरा, 2020 में राजस्थान के जैसलमेर, 2019 में पंजाब के पठानकोट, साल 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल और साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम बनने के बाद 2014 में सियाचिन, साल 2015 में अमृतसर, 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने गए। पीएम मोदी 2014 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC या LAC पर जाकर जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। देश भर में दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दिवाली का त्योहार सबसे पहले मनाने की परंपरा है। सबसे पहले भगवान महाकाल के दरबार में प्रातः कल सुबह होने वाली भस्म आरती में महाकाल का जल से और उपटन से स्नान कराया गया। इसके बाद पंचामृत अभिषेक कर भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की गयी। भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही भगवान महाकाल को अन्नकूट का भोग लगाया गया और जब आरती हुई तो श्रद्धालुओं ने और पंडित पुजारी ने फुलझड़ी जलाकर भगवान महाकाल के साथ दीपावली का पर्व मनाया। उज्जैन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर मंदिर में आज दीपावली का पर्व मनाया गया। भगवान महाकाल के साथ श्रद्धालुओं ने फुलझड़ी जलाकर दीपावली पर्व की शुरुआत की। श्रद्धालु इस दिन के लिए बड़े ललायत रहते हैं। भगवान महाकाल के दीपावली पर आशीर्वाद लेते हैं और दीपावली का पर्व उनके साथ मनाकर अपने आप को धन्य पाते हैं। भगवान महाकाल को अन्नकूट का भोग लगाया गया। भगवान महाकाल के साथ भस्म आरती में फुलझड़ी जलाकर पंडा पुजारी ने और श्रद्धालुओं ने दीपावली पर्व की शुरुआत की। अब पूरे देश में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार हिंदू संस्कृति का पर्व दीपावली चुनावी रंग में रंगा हुआ है। एक ओर जहां देश भर में दिवाली का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में दिवाली के पर्व भी राजनीति के रंग में सजे हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर का नर्मदा तट गौरीघाट में दिवाली की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस दीपोत्सव में नर्मदा तट पर दीपों के जरिए माता भारत माता ओम स्वास्तिक के चित्र बनाए गए और जय श्री राम लिखा गया। तकरीबन 1,00,000 दियों के माध्यम से ये सभी आकृतियां बनाई गई थी, जिसमें शहर के आम नागरिकों ने भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ हिस्सा लिया था। लोगों ने दीप प्रज्वलन के साथ ही नर्मदा की स्वच्छता का संकल्प लिया। इस बार भी भगवान श्री राम के स्वागत अवसर पर दीपों से नर्मदा तट को सजाया गया। दीपावली के त्योहार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी श्रीमती साधना सिंह और पूरे परिवार के साथ जाकर पूजन के लिए मां लक्ष्मी की प्रतिमा खरीदी। राजधानी के न्यू मार्केट में सपरिवार पहुंचकर उन्होंने धन धान्य सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की प्रतिमा ली और उनसे संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश पर अपनी कृपा की वर्षा करने की प्रार्थना की। दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। घर घर में सुख समृद्धि और वैभव की कामना के साथ महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दिवाली पर परंपरा अनुसार सबसे पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है और फिर माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। सीएम शिवराज भी दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। उन्होंने पूजन सामग्री में शंख, कमल का फूल, लाल वस्त्र, गोमती चक्र, धनिया के दाने, सुपारी कच्चा, सिंघाड़ा, मोती और कमलगट्टे की माला खरीदे। अपने भक्तों का सम्मान है साईं।
किसी के लिए भगवान तो किसी के लिए चमत्कार है साईं। कोई उन्हें गुरु मानकर पूछता है तो कोई साईं को चमत्कार मानता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि जो शिरडी में आएगा आपदा को दूर भगाएगा। इस दीपावली पर भी शिरडी में भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। पूरा शिरडी रोशनी से जगमगा उठा है। दीपावली पर शिरडी में अलग अलग रौनक नजर आती है। दिवाली है और इस दीपावली साईं का दरबार रोशन है, जगमग है, हर्षोल्लास से भरा है। भक्तों की अपार भीड़ आ रही है क्योंकि शिरडी में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इस दीपोत्सव को मनाने के पीछे एक मान्यता है। दरअसल ये कहा जाता है कि साईं बाबा यहाँ एक मस्जिद में रहा करते थे। वो पास के बाजार के दुकानदारों से रोज तेल मांग कर लाते थे और दीपक जलाते थे। एक दिन दिवाली थी, साईं हर रोज की तरह दुकानदारों के पास तेल मांगने के लिए पहुंचे और उस दिन दुकानदारों ने तेल देने से इनकार कर दिया। मस्जिद में उनके भक्त इंतजार कर रहे थे कि उनके साईं आएंगे और दीपक जलाएंगे, लेकिन साईं बाबा के खाली हाथ लौटने पर उनके भक्त निराश हो गए। बाबा अपने भक्तों की निराशा को समझते हुए चमत्कार कर बैठे, ऐसा चमत्कार कि तब से दीपावली के दिन शिरडी में दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हो गई। कहा यह भी जाता है कि जो चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, मतलब कि साईं बाबा की समाधि पर पैर रखते ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। दिवाली त्योहार का उत्साह और बाजारों में रौनक खूब देखने को मिल रही है। बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई, जो घरों में साज सज्जा, लाइटिंग आदि से लेकर पटाखों की खरीदारी करते नजर आए। लाइट साज सजावट की दुकान दूर दूर तक सफेद, गुलाबी और नीली रोशनी से बाजार चमक रहे हैं। मिठाई की दुकान से लेकर सजावट और कपड़े, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान और इसके अलावा बाजार का कोने कोने में ग्राहकों की भारी भीड़ देखने के लिए मिली। पटाखा बाजारों में पिछले 3 दिन से जमकर ग्राहकी हो रही है। इस बार पिछले साल की तुलना में पटाखे 20% महंगे हैं। वहीं बच्चों के लिए परंपरागत फुलझड़ी, अनार, चक्री के अलावा नए पटाखों में म्यूजिकल माला, फोटो फ्लैश, बटरफ्लाई, रोमन कैंडल और ड्रोन भी हैं। इसे बच्चे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। देश प्रदेश के कोने कोने में दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी अयोध्या की तर्ज पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नैमिषारण्य स्थित चक्रतीर्थ, शहर के प्राचीन मंदिर श्यामनाथ, हर गांव के सूर्यकुंड सहित खैराबाद स्थित भुइया ताली तीर्थ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी जगह पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्यता के साथ मनाया गया। शहर के प्राचीन श्यामनाथ मंदिर पर पहली बार आयोजित किए गए दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में लोगों का भारी हुजूम उमड़ा। तीर्थ पर जब दीपोत्सव शुरू हुआ तो धरा से लेकर आकाश तक जगमग हो गया, जिसमें लेजर शो आकर्षण का बिंदु रहा। श्यामनाथ मंदिर के पीछे स्थित सरोवर के बीचों बीच बनी भगवान भोले शंकर की विशाल मूर्ति रंग बिरंगी लाइटों के बीच अपनी अलग ही दिव्यता को दर्शा रही थी। कार्यक्रम की भव्यता को देखने के लिए मानो पूरा शहर श्यामनाथ मंदिर पर स्थित तीर्थ पर उमड़ पड़ा। यहाँ पर लोगों ने 51,000 दीपक जलाए। देर रात लोगों का हुजूम तीर्थ पर उमड़ पड़ा। लोगों ने यहाँ पर खूब सेल्फी भी ली। दिवाली के मौके पर देश और प्रदेश के मंदिरों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। मंदिरों में आरती और विशेष पूजा की गई। अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ में विशेष पूजा हुई। दीपावली पर्व के लिए भगवान शिव के मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को 10 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया। गेंदे के फूलों से सजा बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहा है। बद्रीनाथ धाम को हर साल धनतेरस और दीपावली पर्व पर भव्य रूप से सजाया जाता है। धनतेरस और दीपावली पर धाम में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली पर बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालु दीप जलाकर दीपावली पर्व मनाते हैं।
इधर मौसम ने भी मंदिर की सजावट में चार चांद लगा दिए हैं। मौसम का मिजाज बदलने से बर्फबारी और हल्की बारिश भी हुई। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सर्दी बढ़ गई है, लेकिन सफेद बर्फ के बीच गेंदे के फूलों से सजा भगवान शिव के ये दोनों मंदिर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह भी कम नहीं हो रहा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दीपावली को लेकर कोरबा में भी रौनक दिखी। बाजारों में अलग अलग वैरायटी के पटाखे नजर आए। बच्चों से लेकर बड़ों तक के पटाखों की खरीदी करते नजर आए। पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने गंभीरता दिखाई। प्रदेश में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग करने के लिए कहा गया है। एनजीटी ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं। दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष, क्रिसमस के मौके पर 2 घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी ने कोरबा, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, रायगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। इंदौर में रंगोली आर्टिस्ट शिखा शर्मा ने 14,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। पितृ पर्वत के सामने बनाई रंगोली ने शिखा ने अपने 15 सदस्यों की टीम के साथ पितृश्वर धाम के हनुमान जी, कमल का फूल, पीएम मोदी और कैलाश विजय वर्गीय को घेरा है। इसके साथ ही इंदौर में मेट्रो, स्वच्छ इंदौर, एजुकेशन हब को भी दर्शाया गया। रंगोली बनाने में 3.5 टन रंगों का इस्तेमाल किया गया। 48 घंटों में ये रंगोली बनकर तैयार हुई। देखने में आम, सेब, केला, संतरे जैसे दिख रहे ये कोई फल नहीं है, बल्कि ये हैं नैनीताल की खूबसूरत मोमबत्तियाँ। सिर्फ यही नहीं बल्कि लालटेन, बियर ग्लास, भगवान की मूर्ति या अरोमा कैंडल की कई किस्मों की मोमबत्ती लोगों को हक्का बक्का कर देती हैं। तो नैनीताल आने वाले पर्यटक इनको खरीदे बगैर रह नहीं पाते। रोशनी के पर्व पर सिर्फ घरों को रोशन करने के ही नहीं बल्कि लोग इनको उपहार के तौर पर खरीदने की भी सोच रहे हैं। तो नातेदारों और रिश्तेदारों के लिए नैनीताल से इन मोमबत्तियों को ले जा रहे हैं। रोशनी का